आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव टीवी। मैं हूं पंकज कुमार पांडे कुशीनगर से। कुशीनगर में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत सांसद विजय कुमार दुबे ने सुपरौली में देवकली हासखोर खुट्ठा मोहनपुर और पगरा में वैदिक मंत्रोच्चारण द्वारा विधि विधान से अमृत सरोवर का शुभारम्भ किया। सांसद ने बताया कि अमृत सरोवर से सबको लाभ मिलेगा। पानी के बिना पृथ्वी पे जीवन कल्पना नहीं की जा सकती है, इसलिए पानी को संचय करना जरूरी है। वहीं हाटा के लोकप्रिय विधायक मोहन वर्मा का कहना है कि प्रदेश में चौमुखा विकास का कार्य हो रहा है, जिससे आम जनता खुशी महसूस कर रही। वहीं हाटा विधानसभा को मॉडल विधानसभा बनाने में हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। इस दौरान सुकरौली ब्लॉक के सभी आला अधिकारी और ग्राम प्रधान भी मौजूद रहे। मैंने बताया सरकार का वर्तमान के समय बहुत नीचे जा रहा है। अभी मैं आज दिल्ली से आया हूँ, मैं दिल्ली में बता रहा हूँ कि जो हम लोग के सरकारी आवास जिसमें मैं पानी की चीज़ें क्यों यमुना का स्तर नीचे हर जगह नीचे है, तो बुंदेलखंड की धरती हर जगह ना हो। अभी माननीय मोदी जी की पचहत्तर आज़ादी के 75वां वर्ष, ऐसे ही बड़े बड़े सरोवर जिले के एक एक जिले के 75 विकास करने चयनित किए। आगे ब्लॉक के द्वारा उन्हीं को देख के ब्लॉक के द्वारा यौन सरोवर के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। कुल उद्देश्य जल का संचय, जल अगर सरोवर में रहेगा संचय रहेगा पूरे गांव का जल स्तर ऊपर। पोखरी का जो सुंदरीकरण करवा रहे हैं, पोखरी को पोखरी के स्वरूप में डाला जाएगा या जैसा है वैसे ही उसका सुंदरीकरण के अमृत सरोवर का नाम दे दिया जाएगा? नहीं नहीं, जैसा है नहीं, एकदम उसका पूरा किनारा बनेगा। उसके बाद जो पाथवे बच्चों के लिए बुजुर्गों के लिए वो जो किनारा इधर आइए ना, तभी से बुला रहे हैं इधर आइए। और इनके अलावा अगर जमीन है तो वहीं पर नरेगा पार्क का भी निर्माण अगर गाँव में नहीं है तो जितनी भी जगह है उसमें वन विभाग द्वारा पूरी हरियाली प्लांटेशन ओपन जिम लगाए बच्चे बुजुर्ग के लिए एक रमणीक स्थल। और जब रमणीक स्थल रहेगा ग्रामवासियों का लगाव रहेगा तो मान के चलिए कि जल संचय का वो अभियान भी पूरा होते रहेगा, शुद्ध जल भी रहेगा और जल भी सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा कल रात को घोषणा की गई जहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर किए गए वहाँ उज्ज्वल कनेक्शन पे 200 रुपए की सब्सिडी किसानों को दी जा रही है। जो जो उज्ज्वल कनेक्शन लिए हैं उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया गया वो पुरानी है, इससे जो बड़े जनता को ब्लॉक प्रमुख माल्यार्पण कर स्वागत करें। इसी का पंचायत सदस्य इंद्रमणि कन्हौजिया जी, जिला पंचायत सदस्य इसी सांसद जी को भी देकर सम्मानित करें। आप तो भी सफर आप सुरेंद्र यादव जी, पूर्व प्रधानाचार्य श्री रमेश पूरे हुए 75 अमृत सरोवर पूरे जिला में इनके द्वारा शिलान्यास करके अर्जुन के स्तर पे यह कार्य शुरू कर आज देखने को मिल रहा है। माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी एक विकास पुरुष के रूप में उभरे हैं। आपको जान के हर्ष होगा कि माननीय दुबे जी ये तो 75 के पास गांव के माताएं बहने गांव के लोग दौड़ के जाते थे कि मेरे गांव का पोखरा सुंदरीकरण करा दीजिए। जब माताएं साल में एक बार खष्टी व्रत रहती है छठ का, उस पोखरे में अर्घा का कार्य होता है। ये पोखरे बन जाने से साल में एक बार माताएं बहने जब वहां छठ माता का पूजन करेंगी तो यहाँ के प्रधान और माननीय सांसद जी के साथ ही साथ जितने लोगों का सभी समस्या
किसान आने वाले दिनों में बहुत जल्द सांसद आदर्श गांव के रूप में कोठा ग्राम सभा को चयनित किया जाए। आज के शुभ अवसर पर इतना कहना चाहता हूं कि देश आजादी के बाद से इस देश की धरती पर गांव गरीब किसान के लिए किसी ने योजना लाया, किसी ने हितों का चिंतन किया, किसी ने हितों के लिए कार्य किया, तो उसी को कहते हैं मोदी सरकार। याद करें 2014 का वो समय, यही वो देश के निर्माणाधीन हवाई अड्डा को इस कोरोना के विषम परिस्थितियों में जब 20 अक्टूबर को इस धरती पर माननीय मोदी जी ने उद्घाटन किया, तो उसी दिन कुशीनगर का नाम अंतरराष्ट्रीय पटल पर अंकित कराने का कार्य हुआ। देश आजादी के बाद से पहली बार कुशीनगर के असहाय वासियों के लिए युद्ध स्तर पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण 6 महीने के अंदर पूरा होते इस जनता की सुविधा के लिए लाया गया। सड़क मार्ग में दुर्घटना, किसी घायल का इलाज अगर की ट्रामा सेंटर की खोज करेंगे तो केजीएमसी लखनऊ के अंदर नहीं मिलेगा। लेकिन अभिनंदन करता हूं अपने उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, जब इस जिले के पूरा युवाओं ने मुद्दा बनाया था तो उन्होंने गोरखपुर ट्रामा सेंटर नहीं दिया, लेकिन कुशीनगर में ट्रामा सेंटर देने का कार्य किया। आज चौड़ी सड़कों की जाल मुक्त मार्गों के रूप में जनता की सुविधा मिली। इसी 31 मई को सबसे पहले देश आजादी के बाद से जो फ्लाईओवर का शिलान्यास करने हम लोग जा रहे हैं, वो कुशीनगर जनपद का मुख्य मार्ग, कुशीनगर का मोड़ और गोपालगढ़ टीढ़ा, जिस पर हर साल दर्जनों मौतें हुआ करती हैं।